इश्कबाज में अनिका, गौरी और भव्या की लव स्टोरी खत्म होने के बाद इसके पार्ट टू में अब शिवांश और मन्नत की लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। लेकिन फैंस आज भी शो की इन तीनों लीड एक्ट्रेसेस को काफी मिस करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सुरभि तो अपने फैंस को अपने सोशल मीडिया के जरिए हमेशा सरप्राइज देती रहती हैं, लेकिन वहीं अब अपनी जबरदस्त एक्टिंग से फैंस के दिलों में जगह बना चुकी एक्ट्रेस श्रेणु पारेख भी चर्चा में आ गई हैं। दरअसल श्रेणु के फैंस के लिए एक खुशखबरी आई है और वो खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द एक नए शो में बहू के किरदार में नजर आएंगी श्रेणु। जी हाँ, bollywoodlife.com की खबर के मुताबिक जल्द ही श्रेणु निर्देशिका दीप्ति कलवानी के नए शो में दिखेंगी। इस शो में श्रेणु एक बहू के ही रोल में दिखेंगी। आपको बता दें कि जब इस खबर की पुष्टि करने के लिए श्रेणु से बात की गई, तो उन्होंने भी इस खबर पर मोहर लगाते हुए कहा है, मैं दीप्ति के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। उनका पिछला शो काफी शानदार था, वैसे ही ये वाला शो भी एक फैमिली ड्रामा ही होने वाला है। मैं इस शो में एक बहू का किरदार अदा करूंगी। आगे श्रेणु कहती हैं, हमने अभी इस शो की शूटिंग शुरू की है और इस सीरियल के जरिए एक ऐसी मारवाड़ी परिवार की कहानी दिखाई जाएगी जो आगे चलकर काफी उतार चढ़ाव का सामना करती है। जानवी, मेरा किरदार अपने परिवार का वो धागा है जो सबको बांध कर रखता है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। फुल रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेणु के साथ इस सीरियल में जैनबाम, आयुब खान, तन्वी डोगरा और परीक्षित सहानी भी नजर आने वाले हैं। वैसे अगर बात करें श्रेणु की, तो श्रेणु कई बड़े शोज का हिस्सा रही हैं। आखिरी दफा श्रेणु इश्कबाज में ही नजर आई थी, लेकिन जनरेशन लीप के चलते शो की कहानी में बदलाव आया और पुराने कलाकारों की शो से छुट्टी हो गई। ऐसे में जब सुरभि चंदना के अलावा श्रेणु का किरदार भी शो से खत्म हुआ, तो फैंस उम्मीद जताने लगे कि वो भी जल्द किसी नए शो के जरिए उन्हें एंटरटेन करने दोबारा टीवी पर लौटेंगी। और लीजिए, अपने फैंस की यही बेकरारी को खत्म करते हुए श्रेणु ने एक गुड न्यूज दे ही दी। अब इस सीरियल से जुड़ी हर जानकारी हम आपको अपने चैनल पर यूं ही देते रहेंगे, मगर फिलहाल कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि श्रेणु को इस नए सीरियल में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं।